पेपर लीक मामले में ईडी की प्रदेश में छापेमारी लगातार जारी है और ईडी के दिल्ली से आई करीब एक दर्जन टीमों ने छापे मारे। बाड़मेर, पाली, जालौर सहित करीब एक दर्जन स्थानों पर यह कार्रवाई लगातार जारी। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मिले हैं। कई लोगों पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पेपर लीक मामला अब देशव्यापी हो चला है। ईडी की प्रदेश में छापेमारी शुरू हो चुकी है। ईडी की दिल्ली से आई करीब एक दर्जन टीमों ने छापे मारे। हालांकि पूरे प्रदेश में भी प्रशासन लगातार इसे लेकर एक्शन ले रहा है। सरकार सख्त है लेकिन ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। अब बाड़मेर, पाली, जालौर सहित करीब एक दर्जन स्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिलने की जानकारी है कि करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। अब कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि कई बड़े नाम हो। अब कई नामों पर, कई लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बाड़मेर, पाली, जालौर सहित करीब एक दर्जन स्थानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। पेपर लीक मामला लगातार, इसे लेकर सरकार सख्त, प्रशासन एक्शन में, लेकिन ईडी अब और ज्यादा एक्टिव मोड में आ गई है। पेपर लीक मामले में दिल्ली से एक टीम आई है ईडी की और प्रदेश में कार्रवाई कर रही है। इतना ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कई नाम सामने आ सकते हैं। पेपर लीक से जुड़े कई और नाम सामने आ सकते हैं। बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। बहुत जल्दी साफ हो जाएगा क्योंकि सिर्फ एक जगह नहीं, बाड़मेर में, पाली में, जालौर में और करीब एक दर्जन स्थानों पर यह कार्रवाई लगातार जारी है। कई खुलासे हो सकते हैं। ईडी की टीम पहुंची है दिल्ली से, ये कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार इस पर शिकंजा कसता जा रहा है। ये मामला देशव्यापी हो चला है। हालांकि सरकार इस पूरे मामले को लेकर सख्त है। कई आरोपी धरे गए हैं। प्रशासन इसे लेकर एक्शन मोड में है लेकिन अब ईडी भी सख्त रुख अख्तियार कर चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक दर्जन इलाकों पर, बाड़मेर का रुख करते, दरअसल यहां पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। रीड पेपर लीक मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। उदयपुर में मुख्य आरोपियों से पूछताछ के बाद ईडी की टीम बाड़मेर भी पहुंची है। मामले में जेल जा चुके ठेकेदार भजनलाल के घर ईडी की टीम अब जांच पड़ताल कर रही है। ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई को एसओजी की टीम पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। करीब दो महीने तक न्यायिक हिरासत में भी ठेकेदार भजनलाल रह चुके हैं लेकिन अब ईडी जो है सख्त रुख अख्तियार कर चुकी है। ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई के घर पहुंची, ये बाहर की तस्वीरें जरा देखिएगा। दस्तावेजों की जांच लगातार जारी है, पूछताछ चल रही है। रीड पेपर लीक मामला अब कितना बड़ा हो चला है जरा देखिए। सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। बाड़मेर से हमारे सहयोगी अशोक शेरा जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अशोक, पूरे प्रदेश में ही ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और अब बाड़मेर में भी ये तस्वीरें नजर आने लगी है। कुछ अपडेट मिल पाया है, कब तक ये कार्रवाई चलेगी? देखिए पूनम, एसओजी के मामले में लगातार जो है अब ईडी की एंट्री हो गई है। उसके बाद से अगर पहले की बात करें तो उदयपुर में जेल में जो आठ लोग मुख्य आरोपी थे उनसे पूछताछ ईडी की टीम ने की। उसके बाद आज राजस्थान के अलग अलग जगहों पर ईडी की टीम दबिश दी। अगर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में इसी पेपर लीक मामले में जो पहले आरोपी रह चुके भजनलाल बिश्नोई, जो न्यायिक हिरासत में भी रह चुके हैं, एसओजी की टीम ने उन पर कार्रवाई की थी। दो महीने की वो जेल भी काट चुके। आज उनके सुबह घर जो है 7:45 बजे ईडी की टीम है वो पहुंची थी। उसके बाद से लगातार उनके घर दस्तावेज है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। ईडी की टीम लगातार आगे और केंद्रीय रिजर्व बल जो है, पुलिस बल है, वो भी पूरे घर को घेरे हुए हैं और चारों ओर से और लगातार उनके अंदर जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि ईडी की टीम जो है वो लगातार अलग अलग तरीके से दस्तावेज जांच कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था उसमें ईडी की जांच टीम है वो जांच पड़ताल कर रही थी। चलिए ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। आपका एक बार फिर से रुख करेंगे, अपडेट लेंगे। लेकिन फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं हम। रीड पेपर लीक मामले में भजनलाल पर एसओजी ने कार्रवाई की थी लेकिन अब ईडी पहुंची है इनके घर में कार्रवाई लेने के लिए और कार्रवाई कर रही है। लगातार डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ जारी है। वही जालौर से भी बड़ी खबर मिल रही है, इसी से जुड़ा है पूरा मामला। पेपर लीक मामले में आज ईडी की एंट्री यहां भी हो चुकी है। पेपर लीक सरगना के घर ईडी के छापे की सूचना है। करीब 4 से 5 वाहनों से पहुंची है ईडी की टीम।
पेपर लीक के मुख्य सरगना सुरेश ढाका के घर ईडी की कार्रवाई की सूचना है। सुरेश ढाका के घर पर दस्तावेज खंगाल रही है ईडी की टीम। सांचौर के अचलपुर में सुरेश ढाका के घर ईडी का छापा पड़ा है। एक और पेपर लीक के आरोपी के घर पर ईडी की टीम पहुंचने की सूचना मिल रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाड़मेर, डूंगरगढ़ और ये सब जगह इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। सांचौर के अचलपुर से भी जानकारी मिल रही है कि सुरेश ढाका के घर भी ईडी की टीम पहुंची है। तो पेपर लीक के मुख्य सरगना है सुरेश ढाका। ऐसे में अब जानकारी है कि ईडी यहां भी पहुंची है। सुरेश ढाका के घर पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। पेपर लीक सरगना के घर ईडी की छापेमारी शुरू हो चुकी है, यानी ईडी की टीम यहां भी पहुंच चुकी है।